और मैंने कहा कि भारत को मिटाया नहीं जा सकता, क्योंकि भारत का मतलब है ज्ञान। इसलिए भारत में जो धर्म है, जैसे एक धर्म है ब्राह्मण धर्म, तो ब्राह्मण धर्म को सनातन धर्म कहा गया। भारत का जो धर्म है वो सनातन धर्म है, सनातन, जिसका कोई फाउंडर ही नहीं है, जिसका कोई आदि ग्रंथ ही नहीं है। इस्लाम के फाउंडर है मोहम्मद साहब, उनका ग्रंथ है कुरान। ईसाइयत के फाउंडर है जीसस क्राइस्ट, उनका ग्रंथ है बाइबल। सिखिज्म के फाउंडर है गुरु नानक, उनका ग्रंथ है आदि ग्रंथ। ये जो धर्म भारत में है इसका कोई फाउंडर ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान कहीं से भी मिले, भारत का मतलब ज्ञान वो स्कूल वाला नहीं, अपने स्वरूप का, जिसको बुद्धिज्म ने निर्वाण कहा, जिसको महावीर ने कैवल्य कहा, जिसको सनातन धर्म ने मोक्ष कहा, परम ज्ञान। इसलिए भारत को तो मिटाया ही नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं है। भारत का मतलब ज्ञान, और जो भी यहां आएगा, इसलिए भारत में हर आदमी वेलकम था। आपको जब अपनी ताकत पर बड़ा भरोसा होता है तो आप किसी को भी आने देते हो कि आओ, जहां तुमको टेस्ट कराएंगे तुम हमारा ही गाना गाओगे। 500 साल मुसलमान शासकों ने शासन किया हिंदुस्तान में, 1206-1707। अगर हम कुछ अपवादों को छोड़ें तो ठीक है, कहने के लिए इस्लामिक स्टेट था, लेकिन सबने भारत के रीति रिवाज से ही शासन किया। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, अलाउद्दीन खिलजी का पद्मावत मूवी आई थी, बड़ा उस पर हो हल्ला मचा था, और ये है कि मुसलमानों ने ऐसा किया, मुसलमानों ने वैसा किया, भारत की संस्कृति के हिसाब से ही शासन किया। फिर वही किताब है विपिन चंद्रा, सतीश चंद्रा, एनसीईआरटी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किताब है सर, और कांग्रेस के टाइम में प्रिंट हुई है, पेज नंबर 107। अलाउद्दीन को इतना बोला जाता है, इन अ फॉर्मल सेंस द स्टेट वॉज इस्लामिक, फॉर्मल सेंस, फॉर्मल कहने को राज्य जो है वो इस्लामिक था, बट द सुल्तान्स हैव टू सप्लीमेंट द मुस्लिम लॉ बाय फ्रेमिंग देयर ओन रेगुलेशंस, जिसको हम जवाबित कहते थे, वो अपने खुद के कानून बनाते थे। वो अरब का कानून यहां नहीं चल सकता था सर। अलाउद्दीन खलजी टोल्ड द लीडिंग काजी ऑफ द सिटी, पढ़िएगा सर, तीसरा पैराग्राफ है, अलाउद्दीन खलजी टोल्ड द लीडिंग काजी ऑफ द सिटी दैट ही डिड नॉट नो व्हाट वाज लॉफुल और अनलॉफुल बट फ्रेम्ड लॉज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द स्टेट। बयाना के काजी से कहता अलाउद्दीन खिलजी कि मुझे नहीं पता शरीयत में क्या लिखा है, कानून क्या और क्या कानून नहीं है, जो राज्य की आवश्यकता है मैं उस हिसाब से नियम बनाता हूं। दिस इज वाई द हिस्टोरियन बर्नी refused to consider the state in India as truly Islamic। ये जो लोग मध्यकाल पर कहते हैं कि मध्यकाल विदेशियों का शासन का काल था, हम गुलाम थे, कोई गुलाम गुलाम नहीं थे, बर्नी वो खुद ही कहता है कि मैं नहीं मानता इस्लामिक स्टेट है, वो उसको जहानदारी कहता है कि दुनिया के हिसाब से शासन, शरीयत तो मानी ही नहीं जाती थी। अलाउद्दीन खिलजी वही लिखा है सर, This is why the historian Burney refused to consider the state in India as truly Islamic, but one based on worldly or secular considerations, bracket में लिखा जहानदारी। कौन कहता है कि medieval period में मुसलमानों के गुलाम थे यहां के हिंदू? हाँ ठीक है, एक आध शासक अपवाद रहे हैं जिन्होंने इस्लामिक कानून को लागू करने की कोशिश की, लेकिन सब मारे गए। फिरोज शाह तुगलक को देखिए, उसकी अपनी मजबूरी थी, खैर फिरोज शाह तुगलक की तो अपनी मजबूरी थी, वो बेचारा इतना चारों तरफ परेशानियों से घिरा था, उसे एक वर्ग का सपोर्ट चाहिए ही चाहिए था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक के बाद सल्तनत खत्म। सर इस देश में कोई एक धारा चल ही नहीं सकती भारत में, और भारत का मतलब ज्ञान, भारत का मतलब हिंदू नहीं, हर वो आदमी जो ज्ञान की तलाश में है वो भारत की तलाश में है। तभी तो हमारा राष्ट्रगान कहता है भारत भाग्य विधाता, ये जो दुनिया का भविष्य है ना वो भारत से ही है।
वो जो गजवा ए हिंद आप सुनते हो वो यहीं से होगा। और करेगा कौन? विवेकानंदों की फौज करेगी। और अब की बार का विवेकानंद प्रवचन भी करेगा और गोली भी चलाएगा। अब की बार का निजामुद्दीन औलिया की फौज, उसकी दोनों फौजें होंगी, विवेकानंद की भी फौज होगी, औलियाओं की भी फौज होगी, कुरान भी पढ़ेगा और गोली भी चलाएगा। वो जो मौलाना गजवा हिंद बता रहे, उनको पता ही नहीं गजवा हिंद का, ज्ञान का प्रसार, भारत का प्रसार, भारत का गजवा हिंद हो तभी दुनिया बचेगी, नहीं तो ये कैपिटलिज्म खा जाएगा सबको। जन गण मन अधिनायक, क्या बात लिखी गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, एनलाइटेंड आदमी थे, शायद भविष्य दिखाई पड़ रहा था उन्हें। इसलिए जो भी भारत का राष्ट्र गीत गाता है वो दुनिया के भले की कामना करता है। जन गण मन अधिनायक जय हो, जय हे भारत भाग्य विधाता। भारत मतलब ज्ञान, भारत यानी ज्ञान, और ज्ञान पर किसी का अधिकार नहीं। और ज्ञान की सारी नदियां हैं, इस्लाम की एक नदी है, हिंदुइज्म ब्राह्मणिज्म की एक नदी है, बुद्धिज्म की एक नदी है, क्रिश्चियनिटी की नदी है, ये सारी नदियां उसी ज्ञान पर जाकर खत्म होती है। आपकी चॉइस है, सारी नदियां ज्ञान की हैं सारी। इसमें तो खैर कोई दो राय नहीं, इसमें तो मैं बिल्कुल, इसमें तो मतलब कोई दो मत है ही नहीं, ये सारी नदियां ज्ञान की। और ये सारी नदियां अंततः परमात्मा तक ही पहुंचती हैं।